इधर 30 केजीएस सीमेंट प्लांट के खिलाफ युवक कांग्रेस का चक्का जाम। आंदोलन पूरा दिन चलता रहा, नहीं आए फैक्ट्री के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। फैक्ट्री की तानाशाही रवैये को देखकर धरना दे रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान तत्काल मशीन बुलाकर अपने जमीन को वापस लेने के लिए रोड को खुदवा दिया। इसे देखकर फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से बाउंसर भेजे गए और काम रोकने का प्रयास किया गया, जिसे गुस्साए किसानों द्वारा अपना उग्र रूप दिखाया गया। तब जाकर वापस हुए अंत में किसान अपनी जमीन पर मिट्टी हटाकर अपना कब्जा किया। वही युवक कांग्रेस के ब्रजेश शर्मा छोटू ने सख्त लहजे में फैक्ट्री प्रबंधक को हिदायत दी, हम सब किसानों के साथ हैं। यदि फैक्ट्री प्रबंधक को जमीन चाहिए तो किसान को जमीन देनी चाहिए और उसका उचित मुआवजा दे या उन्हें नौकरी दे। ये केजीएस के रास्ते को लेकर के यहाँ के सरहदी किसानों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा है और इन लोगों की बहुत पहले से जिन साहब के यहाँ एक आवेदन लगा था कि हमारी भूमि की नाप करा दी जाए। केजीएस प्रबंधन ने इनके भूमि पर रोड को चौड़ा करके बना लिया है और इनको ये अंदेशा था कि हमारी जमीन को हमने कहीं दबा लिया है। इस विषय में साहब के आदेशानुसार हमने समर्थन करवाया, जांच करवाया कल बना करके और वो जांच रिपोर्ट हमने इस साहब को सबमिट कर दिया है। इसमें न्यायालय विभागीय अधिकारी से मामला था आपकी जमीन का, जबरदस्ती जो है आधी रात के जो है हमारे जमीन में मिट्टी डलवा के जो है और जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया जो है। हमने जो है शासन में रिपोर्ट किया जो है, शासन प्रशासन हमारे उसमें तहसीलदार और आरआई जनरल नाम के हमारी जमीन निकाल लीजिए है, कितनी जमीन आपकी फंसी है। हम जो है दोबारा एसडीएम साहब की राय जमा जमीन खाली कराइए जो है। उन्होंने जो है फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा दबाव में जो है दोबारा जाँच का आदेश दे रहे हैं जो है, जबरदस्ती जो है परेशान किया जा रहा है हम लोगों किसानों को। आज क्या कार्रवाई की गई? आज अब कार्रवाई ये है कि हम अपनी जमीन जो है नाप करवा के जो है दोबारा जो है और खुदवा रहे हैं अपनी जमीन जो है निकाल रहे हैं फैक्ट्री से।